नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर बने बोटल लेक यातायात को सुचारू रखने में पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। वहीं केदारनाथ से बद्रीनाथ की यात्रा मार्ग पर भी संकरी सड़क और गोपेश्वर नगर में यातायात का सुचारू संचालन चुनौती से कम नहीं है। बता दें कि चमोली में चारधाम सड़क परियोजना के तहत NHIDCL ने बद्रीनाथ हाईवे के बड़े हिस्से का चौड़ीकरण कर पूर्ण कर लिया है, लेकिन जिले में आधा दर्जन जगहों पर हिल कटिंग कार्य पूर्ण न होने से हाईवे पर बोटल नेक बने हुए हैं, जिससे हाईवे पर ज्यादा संख्या में वाहनों के आने पर जाम की स्थिति पैदा हो रही है। आगामी चारधाम यात्रा बद्रीनाथ के कपाट 8 मई को खुल रहे हैं, तो उसके परिप्रेक्ष्य में जो हमारी सड़क मार्ग है उसका जो हमने संयुक्त टीम ने गठित करी है, SDM, CEO और ARTO के दल गठित किया है, उनके द्वारा निरीक्षण किया गया है। और जो भी हमारे डेंजर जोन्स हैं या फिर ऐसे हैं जहां पर स्लाइड होता है, तो वहां पर आवश्यक मशीन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, साइनेजेस लगाने के लिए, और जहां जहां पैच वर्क होने की आवश्यकता है वहां पर डामरीकरण करने के लिए BRO अथवा जो NHIDCL है उनको भी निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही साथ पेयजल व्यवस्था, शौचालय जो हमारी मरम्मत है बाद जो ये यात्रा प्रारंभ होगी, इसमें काफ़ी जो हमें फीडबैक मिल रहा है यात्रा काफ़ी अच्छी रहेगी और काफ़ी भीड़ आएगी इसमें, उस हिसाब से हमारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। हमारी लगभग 6 जो सीजनल चौकी हैं वो ऑपरेशनल हो गई हैं, और इसके अतिरिक्त हमारे टूरिस्ट पुलिस सेंटर 5-7 के करीब टूरिस्ट पुलिस सेंटर्स हैं जो ऑपरेशनल हो जाएंगे यात्रा के दौरान, जिसमें हमने फोर्स जो है वो टूरिस्ट पुलिस के रूप में इनको ट्रेनिंग भी दी गई है, उनको हम तैनात करेंगे उसमें। और जो हमारा 110 किलोमीटर का लंबा मार्ग है गौचर से लेकर बद्रीनाथ धाम तक का, उसमें उसको हमने 5 जोन्स में डिवाइड किया है। उत्तरकाशी में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने शीतकालीन प्रवास मुखवा का दौरा करने वाले थे, वहीं किसी कारणवश पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का दौरा स्थगित कर दिया गया, जिसे ग्राम सभा मुखवा लोगों ने सूचना सुनकर काफी नाराजगी जताई है। शहीद राम कुमार आर्य पार्क में बने अस्थायी मंदिर के चबूतरे को ध्वस्त कर दिया। इस मंदिर में स्थापित मूर्तियों को अन्य स्थान पर ले जाया गया। दरअसल कुछ समय पहले घास मंडी से शहीद राजकुमार आर्य पार्क में एक अस्थायी मंदिर बनकर उसमें कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित कर दी गई थी। भी किया गया था, उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पे पुलिस बल और हम लोग प्रशासन नगर निगम की टीम के साथ है। नगर निगम की टीम द्वारा यहाँ पर सभी की आस्थाओं का ख्याल रखते हुए ताकि उनको उनकी आस्थाएं सही भी रहें और समुचित पूरे तो एहत जो रखा जा सकता है कि किस प्रकार से इन मूर्तियों का प्रॉपर निस्तारण हो, वो यहाँ पे किया जा रहा है। पीलीभीत में हाईकोर्ट के आदेश और सरकार की मंशा को पूरा करते हुए पीलीभीत जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाने का काम शुरू कर दिया। पीलीभीत में 650 से ज्यादा मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की ध्वनि कम की जाए और जहां पर 4 या 5 लाउडस्पीकर लगे हैं उनकी संख्या कम की जाए। माननीय हाईकोर्ट की आदेश को पालन कराने हेतु शासन की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिसमें ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने हेतु और पब्लिक को एक अच्छे वातावरण देने हेतु शासन के मंशा के अनुसार पीलीभीत पुलिस काम कर रहे हैं। लगातार जितने भी धार्मिक स्थल हैं जहां पे लाउडस्पीकर्स डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, तो उन धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर वहां के जिम्मेदारानों से वार्ता कर यहाँ के सभी लोगों से कॉन्फिडेंस में लेके वहाँ पे स्पीकर उतरवाए गए हैं। जहाँ पे 4-4, 6-6 लगे हुए हैं वहाँ पे मात्र 1 अलाउ किए गए हैं। सिद्धार्थनगर के एक प्राथमिक विद्यालय के रसोई घर में कई महीनों से भूसा रखा हुआ है। इस बीच रसोईया बच्चों के लिए खाना क्लासरूम में बना रहे हैं। वहीं स्कूल में लगा एकमात्र इंडिया मार्क का हैंडपंप भी खराब है। बता दें कि इस भीषण गर्मी में बच्चों को अपनी प्यास बुझाने के लिए बगल में स्थित मंदिर में लगे हैंडपंप से पानी लेना पड़ता है। इस बारे में जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है, इसकी जाँच कराकर तत्काल दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
ये मामला आपके द्वारा संज्ञान में लाया जा रहा है और इसकी हम अभी जांच करा लेते हैं। जो स्कूल की बिल्डिंग होगी अगर तो उसे भूसा हटवाया जाएगा और जो नल की बात कर रहे हैं उसको भी बनवाया जाएगा। सर यहाँ के लोग कैसे की हमारे संज्ञान में नहीं था जब ये सब भूसा रख दिया, हमें संज्ञान में आया तो अपने हम संचार अधिकारी को सूचित किए और सूचित करने के बाद अधिकारी जांच में भी आए और यहाँ के जो रमाकांत नाम है ना सर रमाकांत सिंह को बार बार सूचित करने के बाद भी भूसा अपना नहीं निकाल रहे हैं। साचापुर की बांडा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है जहां पुलिस ने एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया जिसके पास 1 किलो 25 ग्राम चरस बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चरस की कीमत 2.5 करोड़ रुपए है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाने में लावारिस 24 वाहनों की एसडीएम पुलिस क्षेत्राधिकारी और एआरटीओ की मौजूदगी में नीलामी की गई। अत्यधिक बोली अब्बास ट्रेडर्स केलाखेड़ा के नईम अहमद ने 1,01,000 रुपए बोली लगाकर 17 बाइक को अपने नाम किया। आज गदरपुर थाना क्षेत्र में क्लीन योर पुलिस स्टेशन मुहिम के अंतर्गत 24 वाहनों की नीलामी की गई। उसमें कमेटी बनी थी, उसमें एसडीएम बाजपुर, सीओ काशीपुर, एआरटीओ रुद्रपुर और एसएचओ गदरपुर, इनके समक्ष ये नीलामी की गई। नीलामी में कुल 88 लोगों ने प्रतिभाग किया। इसमें लगभग 24 वाहनों में से 7 कारें और 17 मोटरसाइकिल थी। 7 कारें 2,61,000 में और 17 मोटरसाइकिल 1,01,000 में इसकी नीलामी की गई है। पेपर के माध्यम से पता चला कि आज यहाँ नीलामी है थाने की और यहाँ पर कुछ बाइकें हैं और कुछ कारें थीं, ये हमने नीलामी में खरीदी हैं। रायबरेली में मनचले की जमकर पिटाई का मामला सामने आया। दरअसल एक मनचला लड़का एक स्कूली छात्र को लंबे समय से परेशान कर रहा था। घर से स्कूल जाते समय रास्ते में लड़की के ऊपर कमेंट किया करता था, वहीं लड़की की मां ने मनचले की जमकर पिटाई कर दी। संभल में पुलिस ने साइबर क्रिमिनल गैंग का खुलासा कर आर्थिक अपराध करने वाले 8 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया। गैंग सीधे साधे लोगों का केवाईसी करने के बहाने उनके अंगूठे का क्लोन बनाकर बैंक खातों से कैश उड़ा लेते थे। इस मामले में एसपी ने बताया कि अब तक 20 लोगों से ठगी का खुलासा हुआ है। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। नखासा थाने की पुलिस तथा साइबर सेल के द्वारा एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश आज किया गया है। इसमें कुल 8 अपराधी जिनके नाम राहुल, इंतजार, विष्णुपाल, पुनीत, रोहित, अनुज, विकेश और संदीप हैं। ये सभी जनपद संभल के विभिन्न थाना क्षेत्रों के निवासी हैं। इनको आज गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 1 अदद लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 1 अंगूठा की छाप बनाने वाली मशीन, 1 अंगूठे का स्कैनर, 8 ATM कार्ड, 20 सिलिकन रबड़ की बने हुए नकली अंगूठे की छापें, 4 मोबाइल और 1 अर्टिगा गाड़ी इनके पास से बरामद की गई है। सिद्धार्थनगर के सदर थाना क्षेत्र में गाड़ियों की चोरी का मामला लगातार सामने आ रहा है, जिसको लेकर एसओजी और सदर पुलिस गाड़ियों की तलाश में जुटी हुई थी, जिसमें चेकिंग के दौरान 5 अंतरजनपदीय चोरों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 2 बलेरो, 1 स्कॉर्पियो, 3 मोटरसाइकिल, 7 मोबाइल के साथ असलाह भी बरामद किया गया। एक अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है पुलिस ने। इसमें जोगिया की पुलिस ने आज भोर में चेकिंग करते हुए सड़क पर चेकिंग कर रहे थे, संदिग्ध स्कॉर्पियो गाड़ी में कुछ संदिग्ध लोगों को देखा। गाड़ी को रोककर जब उसके दस्तावेजों की डिमांड की गई तो वो लोग नहीं दिखा पाए। जब पूछताछ की गई तो उनमें से 2 लोग बिहार के रहने वाले थे, शिवान और गोपालगंज के, 3 लोग कौसाम्बी के रहने वाले थे। जनपद से बाहर के होने की वजह से और रात का टाइम होने की वजह से इसमें आगे तस्दीक किया गया तो इनके पास से 3 गाड़ियां और
दो गाड़ियां बोलेरो जो हमारी जनपद से सिद्धार्थनगर से पूर्व में चोरी हो रखी थी वो इन्होंने बरामद कराई है और 3 मोटरसाइकिल इन लोगों ने बरामद कराई है। इनका आपराधिक इतिहास है, इन्होंने बलिया में प्रयागराज में भी वाहन चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दिल्ली रेलवे बोर्ड के सचिव को ईमेल कर 25 तारीख को शाम सहारनपुर रेलवे स्टेशन कोड़ाने की सूचना देने वाले आरोपी अंश शर्मा को जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस की जांच में किसी भी आतंकी साजिश होने की पुष्टि नहीं हो सकी है। देखिए 25 तारीख को शाम को सहारनपुर को पता चला था थाने को अंबाला कंट्रोल द्वारा कि एक ईमेल प्राप्त हुआ है रेलवे बोर्ड चेयरमैन को कि शाम को जो दिल्ली जाने वाली ट्रेन है उनमें कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा किसी 4 लोगों को बातें करते सुना गया है। मामले की संगीनता को देखते हुए तुरंत ही बहुत युद्ध स्तर पर इसमें चेकिंग करवाई गई थी हमारे द्वारा, आरपीएफ द्वारा, सिविल पुलिस द्वारा, और सभी ट्रेनों को रात भर चेकिंग कराई गई थी। इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन इसकी संगीनता को देखते हुए पुलिस द्वारा ही एक इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया था 47, जिसकी कि हम लोग टीमें गठित करके जांच कर रहे थे। इसमें हमने सबसे पहले इस ईमेल को ट्रैक किया कि ये ईमेल कहां से आया है। इसके लिए हमने गूगल के हेड से जो कि दिल्ली में बैठते हैं उनसे कोऑर्डिनेट। अमेठी में लापता युवक का जर्जर भवन में शव मिलने का मामला सामने आया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया, जहां ग्रामीण महिलाओं ने संग्रामपुर थाने का घेराव किया और हत्यारों की गिरफ्तारी और जांच की मांग की है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।